ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासनगर महानगर पालिका में डॉक्टर की बहुत कमी है। जब आयुक्त से पूछा गया तो आयुक्त ने कहा कि मैंने नोटिफिकेशन निकाला है, ऐड डाली है, मगर डॉक्टर्स लोग नहीं मिलते। तो मेरा प्रश्न उन्हें पर था कि आपने सैलरी दी है, सैलरी ऑफर की है एक MBBS डॉक्टर को 45,000। मैंने कहा सर अगर आपने 45,000 दिए, बाजू वाले की नगर पालिका है, नगर परिषद है अंबरनाथ में, उसे 80,000 मिल रही है, तो आपके पास 45,000 में कौन आएगा? तो आप कितनी भी एप्लीकेशन जाहिरनामा निकालेंगे आपके पास डॉक्टर नहीं आएगा। आप उसकी सैलरी मिनिमम जो है बाजू वाली नगर पालिका से है उतनी तो कम से कम करनी चाहिए, 80,000 MBBS को देना चाहिए। इसकी वजह से एप्लीकेशन नहीं आ रही है, MBBS हो, BAMS हो, DHMS हो, BDS हो, तो सब पूरे ऑल ओवर मुंबई में भी कम से कम 80,000 देते हैं और ये लोग ऐड निकालते हैं 45,000। तो कमिश्नर ने ये बात पे ध्यान दिया, नोट किया कि और स्टाफ के साथ में स्टाफ की सैलरी भी कम से कम 20,000 रहती है और ये लोग दे रहे हैं 10,000-8,000, तो उसके लिए कोई स्टाफ भी नहीं मिल रहा है इनको, तो उसके लिए भी वो हम लोगों ने उनको ध्यान दिया कि मेन कारण ये है। दूसरा जो कारण था, एम्बुलेंसेस प्राइवेट की मिल रही नहीं है, इनके पास एम्बुलेंस की बहुत तकलीफ होती है। जब क्वारंटाइन पेशेंट को करना पड़ता है, पेशेंट को लेके पॉजिटिव पेशेंट के रिलेटिव को क्वारंटाइन करना पड़ता है, या तो पेशेंट को भी वेट करना पड़ता है 6-6 घंटा 8-8 घंटा पेशेंट एम्बुलेंस आवे और उसको कोविड हॉस्पिटल में लेके जाए पॉजिटिव पेशेंट को, जो बाकी इनकी फैमिली को क्वारंटाइन करना पड़ता है, उनको 10-10 घंटा तक वेट करना पड़ता है, एम्बुलेंस नहीं आती है बिकॉज उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एम्बुलेंस सर्विसेज नहीं है। तो हमारा एक सी मांग थी, जितनी भी प्राइवेट में एम्बुलेंस चलती है उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इमीडिएटली लेना चाहिए ताकि हमको सर्विसेज फास्ट मिलेगी, उनको टेम्परेरी बेसिस, जिससे वो अपने धंधा करते हैं एम्बुलेंस का दूसरा बिजनेस करते हैं रेगुलर पेशेंट के लिए, तो उनको जितनी कमाई होती है उतनी कमाई हम उनको एडवांस में दे देंगे, रोज का रोज उनको पैसा दे देना चाहिए, थोड़ा बढ़ा के भाव देंगे, तो इमीडिएटली हमारे को जितनी घूम रही है प्राइवेट वाली दूसरी एम्बुलेंस घूम रही है वो कॉन्ट्रैक्ट करके दे देंगे तो फायदा हो जाएगा और एम्बुलेंस हमको मिल जाएगी। और तीसरा मुद्दा जो था हमारा, सेंट्रल हॉस्पिटल में जो विषय बहुत बड़ा गंभीर है विषय में, सेंट्रल हॉस्पिटल में जो डेड बॉडियाँ रहती है वहाँ पे कॉमन डेड बॉडियाँ रहती हैं, जो कॉमन नॉर्मल डेथ हो जाती है या कोई मर्डर की बॉडी आती है या दूसरी रेलवे एक्सीडेंट की बॉडी आती है, उनके साथ में कोविड पेशेंट की भी बॉडियाँ पड़ी रहती है, कुछ पॉजिटिव रहती हैं कुछ नेगेटिव रहती हैं, उनका सैंपल लिया जाता है पर बॉडी वो कोविड वाले पॉजिटिव का साथ पड़ी रहती है। समझो एक समझ के चले, एक बॉडी लेके गए, वहाँ से रखी बॉडी थी और वो बॉडी नेगेटिव निकली, मगर वो बॉडी रिलेटिव लेके गए नेगेटिव के हिसाब से, वो उसके साथ में अगर नेगेटिव है तो उनके घर वाले नेगेटिव के हिसाब से अपने जो क्रिया करते हैं वो बराबर करते हैं और अच्छी तरह से करते हैं, मगर वो रात भर नेगेटिव डेड बॉडी पॉजिटिव वाले का सर जाती है तो उस पर भी संक्रमित हो सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि इसको मॉर्चरी को अलग अलग रखा जाए, जो सस्पेक्टेड है जिनके सैंपल लिए गए हैं डेड बॉडियों के, या जो गुजर जाते हैं आदमी उनके सैंपल लिया जब तक रिजल्ट नहीं आती है उनकी बॉडियाँ अलग रखी जाए, और जो रेलवे एक्सीडेंट हैं, जो नेचुरल डेथ हैं, जो कार्डियक अरेस्ट की डेथ है उनकी बॉडी अलग रखी जाए ताकि उनका मिक्सअप नहीं होगा। तो इसके लिए मॉर्चरी की हमने मांग की अलग से और वो अलग अलग रखा जाए, तो वो भी उन्होंने ध्यान में रखा। सेंट्रल हॉस्पिटल में जो OPD का सेक्शन है वो काफ़ी अलग दूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो पेशेंट जा रहे हैं सेम पेशेंट प्राइवेट में भी आ रहे हैं और सेम पेशेंट रेड क्रॉस में भी आ रहे हैं, तो जो भी पेशेंट फीवर कफ कोल्ड के आते हैं, आज फीवर की OPD उल्लासनगर में कॉर्पोरेशन की तरफ से 5 है, मगर वो पेशेंट बहुत सारे गरीब लोग फीवर OPD का टाइम 12 बजे होने की वजह से नहीं जा पाते हैं, तो 12 के बाद वो सेंट्रल हॉस्पिटल जाते हैं और वही उनको लक्षण वही रहते हैं, बुखार, गले में दर्द, खांसी, सर में दर्द, टेस्ट नहीं होना, मुंह में जबान में टेस्ट नहीं आना, नाक में टेस्ट नहीं आना, तो लगभग उनके भी लक्षण सेम रहते हैं और वो OPD में जाते हैं सेंट्रल हॉस्पिटल के में 12 बजे जाते हैं, रूटीन OPD में जाते हैं और बाजू वाले में नहीं तो फिर कैजुअलिटी में जाते हैं, 12 बजे उधर भी OPD पूरी हो जाती है तो फिर कैजुअलिटी में जाते हैं और कैजुअलिटी में फिर उनको रहता है लक्षण रहता है, तो फिर वो अभी आज उनसे बात की, सेंट्रल हॉस्पिटल का भी दौरा किया हमने, तो वो डॉक्टर बोलता है उनको वहाँ पे कैजुअलिटी में रखते हैं। मैंने कहा उनको भी तुम कैजुअलिटी में रखते हो, जो नॉर्मल पेशेंट बड़े हैं 2-4 पड़े रहते हैं कैजुअलिटी में इनिशियल फेज में जिनको ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है बाद में, उनको भी कैजुअलिटी में रखते हो, मतलब जो सस्पेक्टेड है जिनको है हो सकता है वो भी नॉर्मल पेशेंट के साथ, ट्रोमा वाले पेशेंट जिसकी टांग टूटी रही है फ्रैक्चर वाला हुआ कैजुअलिटी में इनिशियली रहता है, बाजू में वो भी रहता है और जो सस्पेक्टेड रहता है वो भी जाता है। तो सेंट्रल हॉस्पिटल से हमने बोला उनको डॉक्टर को कि जो आपके OPD है एकदम सेपरेट रखे, तो उसमें क्या होगा संक्रमित वाले पेशेंट सस्पेक्टेड पेशेंट नहीं जाएंगे, एक बार वो पॉजिटिव या नेगेटिव आते हैं डिसीजन होती है तो बाद में उसको अलग से रखना चाहिए जैसा हमारे कोविड सेंटर में लेके जाना चाहिए। वो हमने सेंट्रल हॉस्पिटल को गाइडलाइन दिया, हमारे प्रीत भाई थे, हमारे पूरा BJP का डेलीगेशन था, आमदार थे, अध्यक्ष थे, हमारे सब कॉर्पोरेटर थे,
और स्थायी समिति के चेयरमैन थे, हमारे विरोधी पक्ष नेता थे, मैं डॉक्टर नातानी मैं था, हमारे लासी जी थे, मनोहर लासी जी थे और शेरी लुंड भी थे, सब नगर सेवक हम लोग सब साथ में गए थे और ये दिया था। और दूसरा एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा, ज्वाइनशील मुद्दा है जो पूरे शहर में और व्हाट्सएप और मीडिया की तरफ आपके तरफ से आपके बहुत आपकी मेहनत की वजह से ये लाया गया है, क्योंकि वहाँ पे फूड की क्वालिटी और सैनिटेशन प्रॉब्लम बहुत है। अगर वहाँ पे हम लोगों ने देखे हैं, पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट से बात आते हैं, उनकी कॉल आता है, तो अनहाइजीनिक कंडीशंस बहुत है वहाँ पे कोविड हॉस्पिटल में। उसके लिए हमने कमिश्नर को बोला कि ये अनहाइजीनिक कंडीशन है, सैनिटेशन अच्छी तरह से नहीं है, बाथरूम्स क्लीन नहीं है, पानी नहीं है, पेशेंटों को पीने का पानी नहीं है, बाथरूम के लिए भी पानी नहीं है, और दूसरा प्रॉब्लम जो है फूड का क्वालिटी, पेशेंट की बहुत कंप्लेन थी। तो मैंने यहाँ पे जो इंचार्ज थे उनसे कल बात की थी, मनीष हिवरे से बात की थी, उन्होंने कहा था कि हमने कॉन्ट्रैक्टर चेंज किया है और वो कॉन्ट्रैक्टर चेंज किया जो दिन में तीन बार देता था खाना, मगर वापस उसके बाद उसका भी दौरा लिया गया, बहरा लिया गया था, तो वो भी फूड क्वालिफाइड नहीं रहा। और तो इसके लिए फिर हमने पूछा, बोला उन्होंने टेंडर दिया है और टेंडर दे के बाद में अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को देंगे। तो हमने मांग किया अब टेंडर होगा, कब होगा, कब कब होगा, तो उसके लिए हमने उनको बोला आप अपने पावर में अर्जेंट जितने भी आपके पास सेंटर आए हैं प्लीज़ मेहरबानी करके अर्जेंट से अर्जेंट देंगे, तो फूड की क्वालिटी अच्छी मिलेगी शहर को और पेशेंट को अच्छी सुविधा मिलेगी। यही चाहते हैं हमारे शहरवासियों के लिए सुख सुविधा मिले। हम तो दिन भर काम करते हैं, प्राइवेट डॉक्टर भी काम कर रहे हैं, हमने प्राइवेट डॉक्टर के 12 लोगों की टीम बनाई है, 12 लोग डॉक्टर ही MD हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं। हम दर रोज हमारा एक डॉक्टर सेंटर अपना कोविड हॉस्पिटल में विजिट करता है और पूरी डिटेल हमारे कोविड हमारा ग्रुप है, कोविड ग्रुप बनाया गया है फिजिशियन का ग्रुप, उसमें डिटेल आती है किसको कौन से कितने पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं, कितने पेशेंट ICU में हैं, कितने नॉर्मल हैं और किनको ज़्यादा दवाई महंगी दवाई चाहिए। पर महंगी दवाई एक आती है कोरोवैक्स करके आती है रेडीमेड, वो इंजेक्शन है बहुत ज़रूरी है पर वो अभी अवेलेबल नहीं है। पर आज आयुक्त साहब से बात हुई तो आयुक्त साहब ने कहा कि इंजेक्शन का जल्द से जल्द हम लोग प्रावधान करेंगे, उसकी वजह से अगर इंजेक्शन से देंगे तो अगर ये पहले आती थी तो आज तक हमारे पास 25 के लोगों का ध्यान दुआ गया है, शायद ये हम 15 से जाने बचा सकते थे अगर ये दवाइयाँ हमारे पास होती थी। तो कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।